पूरी में ही एक ही उच्चारण, एक ही मंत्र, एक ही भावों से दशो दिशाओं से देवी देवी देवता भवनपति वंतर ज्योतिषी वैमानिक देव नर नारी श्रावक श्राविकाएं रोम रोम से एक स्पंदन के साथ केवल एक ही मंत्र है, जो हमें तीर्थ बनाते हैं बनाया है उन प्रभु के चरणों में समर्पण। चरम और परम अनुत्तर देशना का रस ग्रहण करने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए जीवन में जयवंत होने के लिए श्रद्धा बोध चरित्रमय बनने के लिए उस दिव्य समोह शरण में, प्रभु के समोह शरण में जहां तीर्थ की अनुभूति होती, स्वयं के अंतर की पवित्र की अनुभूति होती, प्रभु कृपा का एहसास होता है, उस दिव्य समोह शरण में रजत स्वर्ण और मणि रत्नों से बने हुए तीन पुरकोटे चारों दिशाओं में चार प्रवेश द्वार स्वर्ण मणि रत्न और वैढूर्य रत्न के, बारह प्रकार के परिषद के बीच शिखर पर विराजमान प्रभु महावीर दैदीप्यमान कंचन वर्णी काया दिव्य दृष्टि से दिव्य बनाती हुई वे पावन आंखें दिव्य संबोधन से दिव्यता का जागरण करती हुई दिव्य ध्वनि शरणागत को भय से मुक्त कराने वाले पावन चरण इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी श्रमण श्रमणिया वैमानिक देव श्रावक श्राविकाए अठारह राजा पौषद लेकर के भवन पदे वंतर और ज्योतिषी देवता भवनपति वंतर और ज्योतिषी वैमानिक देवी आए चमरेन्द्र और बलेन्द्र चवर ढुला रहे हैं प्रभु के दिव्य किरणों से आलोकित होता हुआ दिव्य स्फटिक सिंहासन तेजस्वी अंतर बाह्य के सारे अंधियारे को दूर करता हुआ भामंडल त्रिजगत के सारे जीवों के लिए आधि व्याधि और उपाधि से
संताप से मुक्त कराता हुआ छत्र त्रयी, समृद्धि और ऐश्वर्य का एहसास कराता हुआ अशोक वृक्ष, दिग्दिगंत व्यापी देव दुंदवी, दिव्य पुष्प वृष्टि, पूरे विश्व को धर्म से गतिशील करता हुआ धर्म चक्र, धर्म की श्रेष्ठता को ऊंचाई तक पहुंचाने वाली धर्म ध्वजाएं, वो चरम और परम समो शरण में निरंतर गुंजीत होती प्रभु की ध्वनि के बीच प्रभु को निहारते हुए, प्रभु को पीते हुए, प्रभु को जीते हुए सदा सदा के लिए अंतर में प्रभु को बसाते हुए रोम रोम से आत्मा के हर प्रदेश से गुंजीत होता हुआ है पावापुरी की रज्जुक सभा में, वो दिव्य समोशरण, वो निर्वाण कल्याणक का दिन, हर पल एक अनुभूति जो मिल रहा है उसका एहसास खो जाएगा, इसका बोध इन दो संवेदनाओं में जीते हुए वो परिषद प्रभु के हर स्पंदन को गहराई से जी रही है। इंद्रभूति गौतम किसी को पता ही न चला है, प्रभु ने अंतर मन से बिना शब्द के उच्चारण के इंद्रभूति गौतम को देव शर्मा के पास जाने के लिए संकेत किया है। इंद्रभूति गौतम ही है, जिस पल में सारी दुनिया प्रभु के चरणों में आ रही है उन पलों में भी प्रभु ने कहा है देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए, जिसके मन में कभी अन्यथा विचार आता ही नहीं, प्रभु के शब्द के अलावा, प्रभु के बोध के अलावा और कुछ परमार्थ और कुछ श्रेष्ठ नजर आता ही नहीं, ऐसी अनुत्तर अनुभूति में जीने वाले इंद्रभूति गौतम उतने अवभाव से प्रणाम करते हुए चल पड़े। कोई सोच नहीं दूसरा है, तमेव सत्यम, मेरे जीवन में वही सत्य होगा जो प्रभु तुम चाहोगे, जहां तुम्हारा इशारा वहां मेरा जीवन। बहुत जी लिया प्रभु मैंने तुम्हारे बिना, कितनी बार आप मेरे गांव से गुजरे लेकिन मैं आपको पहचान न पाया है,
सुनता था। आपका जन्म हो गया है, सुनता था आपकी सारी बाल लीलाएं। उन बाल लीलाओं के बावजूद पता नहीं किस जन्म का, पता नहीं किस प्रमाद का, किस जन्म में प्रभु तुमसे रिश्ता जोड़ने के बाद भी तुमसे दूर चला गया था, उसी का ये परिणाम प्रभु। क्षत्रिय कुंड ग्राम से नजीक ही रहता था, तुम्हारी कीर्ति तुम्हारी ध्वनि देखा भी था तुमको, लेकिन लगाने के तुम मेरे अपने हो। पता नहीं कि जन्म के किसको मैंने अपना कह के रखा था, जो आप मेरे होकर के मुझे मेरे नहीं लगे। सुना मैंने आपने दीक्षा ली, दान का सागर लहराया, दान की वर्षा होती रही, मेरे गांव के सभी लोग आपके पास पहुंचे, मेरी मां भी पहुंची, मेरे पिता भी पहुंचे, मुझे भी कहा उन्होंने, लेकिन आने का मन नहीं हुआ प्रभु। पता नहीं कि जन्म की वेदना थी कि जिन हाथों ने से सबने दान ग्रहण किया वरदान पाए, मैं लेने के लिए नहीं आ सका। तुम्हारी साधना की चर्चाएं, तुमने चंद्रकोशी को जिसका आतंक छाया हुआ था, जिसकी दहशत छाई हुई थी, वो चंडकोशी को तुमने क्षमा का सागर बनाया। सुना मैंने उस पल मन में एक भावना जरूर जन्मी, क्या मेरे अंदर के संशय के जहर को भी तुम श्रद्धा के अमृत में बदल दोगे? चंडकोशी का गुस्सा नजर आता है, तुमने उसको बदल दिया है। मेरे अंदर के संशय के जहर को तुम कब दूर कर पाओगे? जिसको कोई वेद का मंत्र दूर न कर पाया है, अपनों से ही छिपा करके जी रहा हूं मैं अपने आप को, क्या तुम मुझे उजागर कर पाओगे? क्या तुम मेरी मुलाकात मुझसे करा पाओगे? सुना मैंने तुम्हारे चरणों में आकर के गौशालक ने अपने जीवन को हीनता से श्रेष्ठता पर लेकर के गया है। पता चला मुझे कि तुमने उसको तेजोलेशा से भी बचाया है। सुनता था मैं, तुम्हें फांसी के पंधे पर झुलाया गया,
वो भी सुना मैंने। शील पानी यक्ष को तुमने फूल पानी बनाया, वो भी सुना मैंने। लगा के आ जाओ तुम्हारे पास, लेकिन नहीं आया है, नहीं आया है। क्यों नहीं आया नहीं जानता है। आना नहीं चाहता था तब नहीं आया, समझ में आता था। इस साधना की चर्चा सुन करके आने का मन हो गया है, फिर भी नहीं आ पाया है। सुना मैंने एक वसुमती के लिए, एक वसुमती को वीडियो से मुक्त करने के लिए। तुमने एक संकल्प ठान करके पूरी कौशंबी को हिला दिया था। पूरा जनमानस आंदोलित हो गया था। उस समय मेरे अंतर में भी एक भाव जन्मा था कि किस जीत पर चल रहा है। क्या है तमन्ना, क्या चाहता है। लेकिन ये पता तो उस दिन चला है जब तुमने बासी उड़द के बाकुले लिए, तब पता चला है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था। तुम तो किसी को बंधनों से मुक्त करने के लिए चले थे, भेड़िया तोड़ने के लिए चले थे, गुलामी से मुक्त करने के लिए चले थे। किसी की गुलामी तुम्हें मंजूर नहीं थी। किसी का वीडियो में जकड़ा रहना तुम्हें स्वीकार नहीं था। और तब लगा कोई वीडियो को तोड़ने वाला आ गया है। क्या तुम मेरी बीड़िया तोड़ पाओगे। मुझे तो किसी सेठानी ने वीडियो में नहीं जकड़ा है। मैं तो मेरे ही अहंकार के वीडियो से जकड़ा हुआ हूं। क्या तुम मेरे अहंकार की बीड़िया तोड़ पाओगे। पता नहीं क्यों लग रहा था है। मेरे जिंदगी में तुम वो कर सकोगे जो मैं नहीं कर पाया। दर्द बढ़ता जा रहा था लेकिन दर्द किसी को कह नहीं सकता था। अपने को ही सुली पर टांग करके जी रहा था। दुनिया को भरवा रहा था लेकिन स्वयं को भरवा नहीं पा रहा था। दुनिया ने बहुत कुछ दिया है, दुनिया से बहुत कुछ मिला है, लेकिन अंदर तो मैं खाली का खाली ही रह गया है। हराता गया हर व्यक्ति को कि मैं स्वयं से ही हरा हुआ था। मैं हरा हुआ था इसलिए मुझे हराने में ही रसता है। लेकिन हरा करके भी कभी अंदर में खुशी न हो पाई, किसी को हराने का आनंद नहीं ले पाया। चुपता था
एक कांटा चुभता था अंदर में, दूसरे के संशय को दूर करने वाला तू स्वयं के संशय क्यों नहीं दूर कर पा रहा है और नहीं कर पाता था। निरंतर द्वंद दुविधा में जीता था, मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं। न वेद शांति दे पाते थे, न यज्ञ शांति दे पाते थे, न दुनिया से मिला हुआ सम्मान कहीं अंदर में भान जगा पाता था। चलता रहा मैं, और तपती गर्मी में एक शीतल झोंका आया, बैसाख की गर्मी, आपापा नगरी में मध्यम पावा में सुमिल ब्राह्मण के वहां यज्ञ कर रहा था। अनूठा आयोजन था, मैंने वचन दिया था, मैंने सुमिल ब्राह्मण को वचन दिया था, तेरे यज्ञ में देवता स्वयं आकर के आहुति को स्वीकार करेंगे। दस दिन हो गए थे, ग्यारस का सूर्योदय हुआ, प्रभु नहीं मेरी जिंदगी का सूर्योदय हुआ है। आसमान में देव आए लेकिन मेरे यज्ञ मंडप में रुक न पाए। चले जाते थे आगे, पता ही नहीं चलता था। मंत्र मैं बोल रहा हूं, आमंत्रण मैं दे रहा हूं, दस दिन से आमंत्रण दे रहा हूं, पुकार मैं रहा हूं, इंतजार मैं कर रहा हूं, आहुति लेकर के मैं यहां खड़ा हूं, अरे इंद्र जा कहां रहा है, मैंने तो सुना नहीं और कहीं पर कोई यज्ञ चल रहा है। कौन आया है जिसके पास इंद्र जा रहा है? भेजा मैंने एक बटुक को देखने के लिए, कहां जा रहा है वो, लौट के ही नहीं आया है। भेजा मैंने मैसेज लेने के लिए, संदेश लेने के लिए, कौन है? जो जाता लौट करके ही नहीं आता। सोमिल को इस बात के साथ भेजा है, खबर लेकर के आना है, और वो खबर क्या लेकर के आया है? मेरे अंदर में एक तूफान आ गया है। सुमिल मुझे कह रहा है, किस ब्रह्मा की तुम बात करते हो? मैं तो ब्रह्मा को देख करके आया हूं, और इतना कह करके वो चल पड़ा वापस, रुका ही नहीं। जानकार ली तो पता चला कि तुम आए हो, तुम्हें ब्रह्मा कह रहे हो, तुम ब्रह्मा बन गए, बिना मेरा भ्रम दूर किए तुम मेरे ब्रह्मा बन गए। जब तक मेरा भ्रम दूर नहीं होगा तुम ब्रह्मा बनोगे कैसे?
नहीं, जब तक मेरे भ्रम का समाधान नहीं होता तुम ब्रह्मा हो नहीं सकते हो। मेरे संशय को छेदन किए बिना तुम श्रद्धेय कैसे हो सकते हो? मेरी पीड़ा हरे बिना तुम प्रभु कैसे हो सकते हो? मुझे अंधेरे में रखने वाले तुम सूरज कैसे हो सकते हो? नहीं। और मैं आया पता नहीं प्रभु किस राह से तुमने बुलाया। जिस राह से कोई नहीं आया उस राह से मैं आया है। और तुम्हारी वह नजर मेरी अंतर के सारे नजारे बदल गई। नहीं, तुम्हारे वाला कोई नहीं मेरा है। और तुमने पुकारा है इंद हुई सागर। तुमने मुझे पुकारा है, मेरा रोया रोया हिल गया है। पता नहीं क्या हुआ है। तुम बरसते गए, मैं भीगता गया है। तुम पिघलाते गए, मैं पिघल गया है। तुम ढालते गए, मैं ढल गया है। सुने जिंदगी में संगीत शुरू हो गया है। प्रभु प्रभु अरोदीन प्रभु, कैसे भूलूंगा उस पल को? कितने प्रलोभन आए मेरे सामने केवली बनने के, सर्वज्ञ होने के लिए, लेकिन तुमने ही शर्त रखी मेरे सामने। तुम मुझे छोड़ दे तो सर्वज्ञ हो जाएगा। मुझे नहीं होना तुम्हें छोड़ करके सर्वज्ञ। मुझे पता है तुमको छोड़ करके मैं मूर्ख ही बना हूं। तुम्हें छोड़ करके मैं सर्वज्ञ नहीं होऊंगा। मेरे सामने सर्वज्ञ होते रहे लोग, लेकिन मुझे तो केवल तुम चाहिए थे। और पूरी जिंदगी एक एक पल इंद्रभूति गौतम के अंदर जागृत होता गया है। चले इंद्रभूति गौतम, देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए प्रभु का वरदान देव शर्मा के पास पहुंचाने के लिए। उस समोसर में किसी को पता ही नहीं चला कविंद्रभूति गौतम चल पड़े। सुधर्मा स्वामी वो पूरी परिषद तलीन है, तन्मय है, प्रभुमय है, प्रभु के ही स्पंदन है, प्रभु की ही ध्वनि है, प्रभु के ही वरदान है और प्रभु के ही भक्त है। कुछ भी नहीं हुआ और प्रभु ने कहा पाप कैसे होता है? कैसे पापी का जीवन होता है? कैसे पाप के परिणाम झेलने पड़ते हैं?
55 अध्याय कहे प्रभु ने, दुख का वो विपाक कैसे दुखी दुख ही करते देते जाता है, कैसे पापी पाप देता है, पापी लेता है, पापी भोगता है। उच्च चक्र से वो कैसे बाहर नहीं आ पाता है, जहर लेना और जहर देना ही जिसकी जिंदगी बन गई हो, ऐसे पापी के जीवन में भी एक पल आता है कि तीर्थंकर की कृपा उसको मिलती है, तीर्थंकर की कृपा उसको मिलेगी। और कैसे तीर्थंकर की कृपा को पाकर वो पापी भी सिद्ध हो जाएगा। सुन रही थी परिषद, अपने अनादि के पाप को जान रही थी परिषद, स्वीकार कर रही थी प्रभु के वचनों को, दुखदाही बने दुख ग्राहक बने, दुख ही लेते रहे दुख ही देते रहे, प्रभु तुम्हारी चरणों में आकर के ही दुख देने की और दुख लेने की आदत से दूर हो रहे। फरमाया प्रभु ने, कैसे सुख देने वाला सुख पाता है, कैसे कैसे लोगों ने सुख देकर के सुख पाया है, कैसे कैसे लोगों को पुण्य देकर के पुण्य लिया है, कैसे बन सकते पुण्यदाता और कैसे बन सकते पुण्य ग्राहक, पुण्य दे और पुण्य लेकर के कैसे पुण्य का फल भुगतते हुए, धर्म लेना और धर्म देना सीख जाते हैं, कैसे सुबाहु कुमार पुण्य देता गया पुण्य लेता गया और पुण्य देते लेते लेते धर्म की राह पर आकर के सिद्धि देने लगा, सिद्धि लेने लगा है। और जो सिद्धि देता है सिद्धि लेता है वो सिद्ध बनता है। ऐसे 55 पुण्यदाताओं को सुनाया है परिषद, सिद्धि पथ पर चली और सिद्धि पथ पर चलते हुए एक अनुत्तर देशना का प्रारंभ हुआ है। विनय से शुरुआत करी यात्रा प्रभु ने, अभिनय के सारे पाप से मुक्त करने के लिए, कैसे प्राणी अपने वरदानों को अभिशाप में बदल देता है, कैसे अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है, कैसे अपने वसंत को पतझर में बदल देता है, कैसे कृपा को कोप में बदल देता है, कैसे अपने प्यारों को ही अपना खारा बना लेता है, और कैसे व्यक्ति रेगिस्तान को भी नंदन वन बना सकता है विनय लेकर के। परिषद ने सुना, अवभाव से सुना है, विनय का वरदान परिषद ने ग्रहण किया है कि प्रभु ना हो सपने में आपकी शिखा विनय, न तिरस्कार करेंगे न तिरस्कार पाएंगे।
कहां प्रभु ने, संकट उनको तोड़ देते हैं जो संकट को सुन नहीं पाते हैं, जो संकटों को जान नहीं पाते उनको संकट रगड़ जाते हैं, जो संकटों में जीने की प्रैक्टिस नहीं करते उनके जीवन में संकट तूफान ले आते हैं, जो सुन लेता है संकटों को, जो जान लेता है संकटों को, जो करता है प्रैक्टिस संकटों के पलों में जीने की, कोई संकट उसको तोड़ नहीं पाता है। संकटों से जुदा हो जाओ, आपत्तियों को गले मत लगाओ, और आपत्ति से मुक्ति का वो रास्ता है परिषद ने प्रभु से पाया है। कैसे जीवन को जिया जाता है, कैसे वरदानों से संपन्न बना जाता है, कैसे इंसानियत और प्रभु की वाणी सुनने का सामर्थ्य और प्रभु की वाणी पर श्रद्धा है, और संयम में पराक्रम कैसे समाधि में पहुंच जाता है, और जो समाधि में पहुंच गया है जिसको कभी भी बिना इच्छा का मरण नहीं आता है, जो जीता है समाधि में, जो जाता है समाधि में, जो जन्मता है समाधि में, जो धर्म को स्वीकार करता हो, जो न स्वीकार कर पाता है वो अकाम मरण को प्राप्त होते ही रहता है जन्म जन्म में। कैसे जीवन की छोटी छोटी बातों को संभालते हुए जीवन को श्रेष्ठतम बनाया जा सकता है, ना बने जिंदगी में कभी बकरा है, ना कभी हो मर्यादा का उल्लंघन है। जीवन के श्रेष्ठतम प्राप्ति के लिए कैसे जिया जा सकता है, कैसे कपिल जगता है और जगाता है, कैसे नमी जगते हैं, वेदना के पलों में कैसे जागा जाता है, जागने वाला हो तो कभी भी जग जाता है, झरते हुए पत्ते देते हुए संदेश, झरने के पहले संभल जाओ तो मंजिल पर पहुंचोगे, प्रमाद से मुक्त करती हुई प्रभु की उपदेशना है। निर्वाण कल्याण की अनुत्तर देशना में निरंतर गतिशील सहभागी सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक हार्दिक अनुमोदन। आज निर्वाण कल्याण की रात्रि है, अनुष्ठान का शिखर दिवस है। आज इंद्रभूति गौतम देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए चल पड़े हैं। कैसी करुणा है परमात्मा प्रभु महावीर की, और कैसा समर्पण है इंद्रभूति गौतम का। जिस पल में कोई प्रभु से जुदा होने की सोच नहीं सकता, दूर जाने की सोच नहीं सकता है, उन पलों में भी प्रभु की आज्ञा हो गई तो स्वयं की इच्छा को नहीं, स्वयं की भावना को नहीं, स्वयं की भावना को नहीं, स्वयं के तर्क को नहीं, स्वयं क्या चाहता उसका विषय नहीं, जो प्रभु का संकेत वही मेरा जीवन का सूत्र रहेगा, ऐसा अनूठा समर्पण इंद्रभूति गौतम का है।
किसी एक व्यक्ति के प्रति भी अपने मन में भाव आ जाए कि जहां अपन अपना दिमाग न चला सके, जहां हम अपनी सोच नहीं चला सके, जहां हम ये नहीं कह पाए कि मुझे उचित लगता है, एक जगह जिंदगी में होनी चाहिए। ऐसे प्रवीण ऋषि का बहुत तार्किक दिमाग है, बहुत लॉजिक माइंड है, पहले से ही है। और मेरे इस लॉजिक माइंड को देखकर एक बार भूरीबो फूलपगर ने 1975 के चतुर्मास में गुरुदेव के पास एक बात कही थी कि बहुत तर्क करता है, इसके तर्क के कारण से इसकी जिंदगी क्या बनेगी, मेरे सामने बोला था उन्होंने। मैंने उस समय एक बात कही थी, मैं तर्क करता हूं, निश्चित रूप से करता हूं, लेकिन एक जगह मेरी जिंदगी में है जहां मैं तर्क नहीं करता हूं, वह गुरुदेव। वहां मैंने कभी तर्क नहीं किया, आज भी नहीं करता हूं, और शायद मेरी जिंदगी के संवरने का संभलने का उतना छोटा सा कारण रहा होगा। कई ऐसी बातें थी जो जस्ती नहीं थी, लेकिन गुरुदेव ने फरमाया वहां तर्क नहीं करना है। इंद्रभूति गौतम का जीवन चरित्र जब सुनते हैं तो लगता है क्या जीवन हो सकता है, क्या आस्था हो सकती है, क्या समर्पण हो सकता है, किस तरीके से आदमी जी सकता है। शिखर हो गया वो कि पता है कि निर्वाण कल्याण की वेला है, ज्ञानोत्तर देशना है, इस पल में प्रभु के चरणों में रहने के लिए सारे देवता नीचे आ रहे हैं, 18 राजा पोषण लेकर के बैठे हुए हैं। और ऐसे समय में प्रभु ने कहा कि देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए जाए, मैं भी होता तो मैं ये जरूर कहता है कि देव शर्मा की कई कला आयुष्य पूरी नहीं हो रही है, उसको परसों जाके संभाल लूंगा, वो तो परसों भी मुझे मिल सकेगा, तुम नहीं मुझे मिल सकोगे, इस पल में मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन एक पल के लिए भी वो विकल्प भी जिनके मन में नहीं आया है, किसको कहते हैं भक्ति, इंद्रभूति गौतम से हम सीखे। क्या कारण है कि आज हम मंगल पाठ के बाद भगवान महावीर के गीत नहीं गाते, गौतम स्वामी के गीत गाते हैं। कहीं पर भी जाएंगे तो कहीं पर भी किसी तीर्थंकर का प्रसाद नहीं मिलता है, कोई महावीर प्रसादी नहीं मिलती, कोई शांतिनाथ प्रसादी नहीं मिलती है। कहीं पर भी जिन शासन में जाओगे तो हर जगह केवल गौतम प्रसादी ही मिलती है। उसका कारण ही है इतना समर्पण, सपनों के परे, कल्पना के तो परे है ही है, सपनों के परे। और फिर वो लौट नहीं पाना है, चार ज्ञान की धरी है, देख रहे हो जहां पर वहां से देख रहे प्रभु को, प्रभु के मन को जान रहे हैं कि उनके पास मन पर ज्ञान है, अवधि ज्ञान है उनके पास। परमात्मा के चरणों में बैठे हुए लोग तो परमात्मा के शब्दों को सुन रहे थे, लेकिन निर्भूति गौतम देव शर्मा को प्रतिबोध देते हुए लौट रहे हैं और रास्ते में सूर्यास्त हो जाता है। कैसे मर्यादा का निर्वाह होता है, कैसे मर्यादा की परिपालना होती है, किस प्रकार की मर्यादाओं को जीवन में स्वीकार किया जाता है। अवधि ज्ञान उनके पास था, मन पर ज्ञान उनके पास था, प्रभु के प्रति उनकी भक्ति थी, प्रभु का निर्वाण होने वाला यह पता था
इसके बावजूद भी प्रभु ने दी हुई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया कि सूर्यास्त के बाद विहार नहीं करना, तो नहीं किया, वही रुक गए। किसी भी अयान से इंद्रभूति गौतम की तरफ जब देखते हैं कि लगता है कि अभी तक वो रास्ता भी अपने जिंदगी में आ नहीं पाया है, उनके भाव तो दूर, उनका जीवन तो दूर, वो जिस रास्ते पर यात्रा कर रहे थे, जिस रास्ते पर वो चले, वो रास्ता भी अभी तक नजर में नहीं आ रहा है। क्या शासन है, क्या अनुत्तर व्यवस्था है कि सूर्यास्त तो हो गए तो वही रुक गए, कोई लंबा नहीं था, लब्धियां थी उनके पास, शक्ति थी उनके पास, वो चाहते तो देवी शर्मा को प्रतिबोध देकर के जंघाचरण विद्या का प्रयोग करके तुरंत पहुंच सकते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कभी लब्धि का उपयोग नहीं किया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कभी लब्धि का उपयोग नहीं किया। लब्धियां उनके पास थी, अष्टापद पर वो जाते थे, अष्टापद पर जा सकते थे, अष्टापद से आ सकते थे, तो देवी शर्मा को प्रतिबोध देकर के आने के लिए उनको क्या समय लगता था, लेकिन शक्ति का उपयोग स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं किया, स्वयं की कामना पूर्ति के लिए नहीं किया। ऐसे अनुभूति गौतम, जिस भी आयाम से देखो तो ऐसा लगता है कि उसमें से एक भी आयाम अपने जिंदगी में आ जाए तो सच में जिन शासन में जन्म लेने का, जिन शासन में रहने का सार्थक हो जाए। चाहे भक्ति के आयाम से देखे, चाहे मर्यादा के पालन के दृष्टि से देखे, ऐसा नहीं, भावनाशील है वो, जिसमें परमात्मा का निर्वाण हो जाता है, तो ऐसा बिलकते, ऐसा बिलकते, ऐसे बिलकते, कि कल्पना भी नहीं कर सकते। आचार्यों ने कहा है कि उनका रोना देख कर गए, बिलखना देख कर गए, कांप उठे थे सारे। ऐसे इंद्रभूति गौतम की कल हम लोग यात्रा करेंगे, यात्रा रहेगी सुधर्मा स्वामी की, जिनके गांव में जाकर के प्रभु ने पहला पारणा किया है, खुल्लक सन्निवेश दीक्षा लेने के बाद प्रभु का पहला पारणा जो हुआ है वो बहुल ब्राह्मण के आंगन में हुआ है, ब्राह्मणों की बस्ती में हुआ है, सुधर्मा उसी बस्ती में है। बंदीला उनकी मां, धर्मिल उनके पिता, कुल्लक सन्निवेश और परमात्मा की हम उम्र है 42 साल की उम्र में ही उन्होंने दीक्षा ली है। इंद्रभूति गौतम ने जब दीक्षा ली तब उनकी उम्र 50 साल की थी, लेकिन सुधर्मा स्वामी की उम्र उस समय 42 साल की है। भगवान महावीर की भी केवल ज्ञान के समय उम्र 42 साल की है, 42। जो एक दिन के लिए परमात्मा से जुदा नहीं हो गए, 30 साल तक जो निरंतर उनके छाया बनकर के जी गए, आश्चर्य लगता है। सुधर्मा स्वामी परमात्मा के निर्वाण कल्याणक पर बिलकते नहीं है। इंद्रभूति गौतम का बिलखने का जिक्र आता है, सुधर्मा स्वामी बिलकते नहीं है।
सुधर्मा स्वामी के उन भावों में भी हमको पहुंचना होगा, वो नहीं भी लगते हैं, झटका उनको भी लगता है, शौक उनको भी लगता है, धक्का उनको भी लगता है, बिना इमोशन के कोई 30 साल साथ में नहीं रहता है, लेकिन उस इमोशन के बावजूद एक व्यवस्था का मानदंड कैसे स्थापित करना है, वो किसी से सीखना हो तो सुधर्मा स्वामी से सीखना है। नहीं दिल के वो, जब परमात्मा का निर्वाण हो जाता है तो किन भावों में वो रहते हैं, कैसा दायित्व निभाते हैं, कैसी जिम्मेदारी निभाते हैं, कि वो यदि उस निर्वाण कल्याण के वेला में उस धर्म सभा में वो भी लग जाते हैं तो परिषद को कौन संभालता है, कैसे दायित्व तो आने पर कैसे अंदर के आंसू अंदर पीने होते हैं, और इसलिए सुधर्मा स्वामी उत्तराधिकारी बने।